हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं शाहिन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो ये वीडियो गवर्नर हाउस का सेकंड पार्ट है। पहले वीडियो में मैं फुल साइट कवर की थी और ये दूसरे साइट का है। और देखे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है, लुक सो सो ब्यूटीफुल। और ये जो है ये कैबेज टाइप का मुझे लग रहा है, बट कैबेज तो नहीं होगा। आपको अगर पता है ये बड़े बड़े लीफ वाले कौन से प्लांट है तो मुझे जरूर बताना। लुक सो प्रिटी। और ये है रोज गार्डन, और ये सीढ़ी से ऊपर जाता है और ऊपर एक बच्चों को खेलने के लिए छोटा सा पार्क टाइप, पार्क तो नहीं कहेंगे, ऐसे ही गार्डन टाइप का था। और ये वाला शायद क्लिप मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है, दोनों क्लिप मिल रहे हैं तो कितना छाट छाट कर सेलेक्ट करूँ। ये वाला शायद मैंने शेयर किया था, अभी मैं जब वाजर करने बैठी तो मुझे लगा ये तो मैंने शेयर किया हुआ। एनीवे ये वाला देखिए, ये मैंने शेयर नहीं किया, ये न्यू है और ये बहुत ही खूबसूरत ये वाला पॉइंट था। और इधर भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह है, और इधर भी बहुत अच्छा गार्डन था, लेकिन अंदर जाने मना था, एंट्री अलाउड नहीं था अंदर में। और इसके साइड ये आपको फ्रंट गेट से एकदम सीधा सीधा मिलेगा, और आपको साइड में डियर पार्क मिलेगा, वहाँ पर भी अभी चलेंगे क्योंकि डियर पार्क मैंने नहीं उस दिन दिखाया था, अभी मैं दिखाऊँगी डियर पार्क। एक यूट्यूबर, चाहे वो बहुत बड़ा क्रिएटर हो, बहुत बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो मेरे जैसा सेकंड छोटा हो, मुझे लगता है कि कभी किसी जगह को एंजॉय नहीं करता। हमारा सारा टेंशन सिर्फ कैमरा के ऊपर होता है कि किसी चीज़ को किस तरह से कैप्चर करूं, उसको रील्स मोड में लूं या वाइटिंग मोड में लूं। हमारा सारा ध्यान बस कैप्चर करने को लगा रहता है कि बस जगह को बिल्कुल भी नहीं देख पाते कि कैसा है, कि बाद में अफसोस होता है इतनी अच्छी जगह थी, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, बाद में अफसोस होता है, पर कर ही क्या सकते हैं, ऐसे ही है बस। जब मैं वॉइस वर्क कर रही थी तो मुझे क्लिप्स देखकर मेरा मन हो रहा था फिर से जाने का, पर बुकिंग नहीं थी तो नहीं जा पाई, क्योंकि गेट के पास तो बहुत रश होती है, फालतू का टाइम ख़राब करना होता। इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, अपनी वीडियो ही पूरी करूं। और ये देखे, ये 4:30 का टाइम होगा, नहीं 4:30 नहीं, शायद 3:40 का टाइम होगा, सूरज ढल रहा था। इस टाइम पे भी बहुत खूबसूरत लगता है, इस टाइम पे भी आप अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पर। और देखे आप चलें मेरे साथ साथ घूमें। और इस साइड में पूरा जंगल टाइप से था, बहुत अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा पीस होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, थोड़ा रश ज़्यादा हो गया था। और इधर है डियर पार्क, डियर भी बहुत सारे थे लेकिन मेरे कैमरा में नहीं आ पाए क्योंकि बहुत दूर दूर पर थे, और बीच में फेंसिंग थी, फेंसिंग की वजह से कैमरा में ये कैच नहीं हो पाया सही से, पर थी बहुत सारे डियर, बहुत सारे एक साथ झुंड में थे लेकिन दूर दूर पे थे। कोरोना की वजह से अभी 2-3 साल से गवर्नर हाउस बंद था, मतलब गवर्नर हाउस नहीं बंद था, गवर्नर हाउस तो हमेशा ही से खुला रहता है, मतलब आम पब्लिक के लिए बंद था। ये बहुत बहुत साल के बाद, 2-3 साल के बाद ओपन हुआ, इस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ दिख रही है। और हमारे शहर भुवनेश्वर में अभी वर्ल्ड कप भी होने वाला है, इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा तामझाम हो रहा है शहर में, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन भी हुआ है और मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वैसे तो भुवनेश्वर नीट एंड क्लीन सिटी रहा है हमेशा से, लेकिन अभी वर्ल्ड कप की वजह से बहुत ज़्यादा तामझाम हो रहा है। अगर किसी को घूमने के लिए आना है तो ये सीज़न वन ऑफ द बेस्ट है उड़ीसा घूमने का, और अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए यहाँ पे, अभी वर्ल्ड कप हो रहा है तो मस्त एंजॉय करोगे जो भी आओगे इधर। तो और इस साइड में बर्ड्स है, पिकॉक है, और बट कैमरा में कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इन्होंने इतना ज़्यादा फेंसिंग के ऊपर फेंसिंग लगा दिया था कि नेकेड आई से ही देख सकते थे, और कैमरा के थ्रू देखना, मोबाइल के कैमरा के थ्रू देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से इसका वीडियो नहीं बना पाई।
और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स आई है वो भी पक रही थी, उन्हें भी भूख लगी हुई थी और साथ में कमेंट भी पीछे से पास हो रहा था, तेरे व्यू तो आने नहीं है फिर तू इतना मेहनत क्यों कर रही है। पर क्या करें, अब जब चैनल ओपन किया तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए ना, तो बस डाल रही हूँ, मे भी कभी ना कभी लग साथ दे दे। और यहाँ देखे कितना खूबसूरत सा प्यारा 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 क्यूट क्यूट सा बर्ड्स है, लुक सो सो प्यारा। और सामने एक बड़ा सा पार्क है, पार्क नहीं बस ऐसे ही बैठने का है, बहुत अच्छा जगह था। और लगता है कि मुझे स्कूल से भी कुछ बच्चे आए हैं, मतलब स्कूल लेके आया है बच्चे को घुमाने के लिए। और यहाँ पे भी हमने कुछ देर तक बैठा और गप्पे शप्पे लगाई और उसके बाद फिर घर गई, नहीं घर नहीं गई, फिर कुछ खा पी के तब घर गई। तो मेरा वीडियो अब हुआ यहीं ख़त्म और फिर मैं कल एक नई वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना और मेरा वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, एक लाइक मार देना जाते जाते। ओके बाय, फाइनल वाला बाय 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 बाय। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Up to my loneliness.